देखो कल होंडा कंपनी ने अपनी अपकमिंग मिडसाइज एसयूवी कार आरएस कॉन्सेप्ट को ग्लोबली अनवील कर दिया है। ये एक मिडसाइज एसयूवी कार होने वाली है, तो इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में हुंडई की क्रेटा के साथ रहेगा। इसके अलावा किया की सेल्टोस के साथ ये कम्पीट करेगी और ताइगुन कुशक एस्टर के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर अब मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में और एक कार की एंट्री होने वाली है और ये होंडा की कार रहने वाली है। कि जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो लॉन्च होने के बाद इसका नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी ने इसको एसयूवी आरएस कॉन्सेप्ट नाम से पेश किया था। तो अब आने वाला समय बताएगा होंडा कंपनी इस कार का नाम क्या रखती है। इसकी जो पोजीशन रहेगी वो होंडा बीआरवी के नीचे रहेगी। अभी फिलहाल के लिए इस कार के डायमेंशन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन होंडा कंपनी इस कार को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उतार सकती है और ग्लोबली इस कार को हाइब्रिड इंजन के साथ उतारा जा सकता है। अगर इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करो तो इसका जो फ्रंट फीशा है दिखने में काफी ज्यादा कमाल का है, मतलब न्यू डिजाइन आपको इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएगा। हालांकि होंडा कंपनी ने इसके अंदर कंप्लीटली एलईडी लाइटिंग का सेटअप का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी इसके फ्रंट फीचर में आपको एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाएगा, फुल एलईडी हेडलाइट का सेटअप भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एलईडी फॉग लाइट भी इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे और इसके रियर फीचर में इसका जो एलईडी टेल लाइट है दिखने में काफी तक कमाल का है। हॉरिजॉन्टल एलईडी टेल लाइट का इस्तेमाल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जब ये रोड पर आ जाएगी इसका रोड प्रेजेंस काफी हद तक जबरदस्त रहने वाला है। इसके फ्रंट फीचर में आपको यूनिक ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से एचआरवी के अंदर ग्रिल्स दिए जाते हैं सेम लेआउट के साथ इस कार के अंदर आपको ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको ड्यूल टोन बम्पर्स भी मिलने वाले हैं और इसका जो एयर डैम रहने वाला है इसको काफी तक स्पोर्टी रखने की कोशिश करी गई है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, साइड से भी दिखने में काफी तक कमाल की लग रही है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील शायद कंपनी इसके अंदर देगी और प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर हमें ड्यूल टोन कलर के अलॉय व्हील भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको रूफ रेल भी मिलेगा, वही रियर फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। वही इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसके इंटीरियर में काफी प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसके इंटीरियर में किया जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, सीट्स के ऊपर, अपोस्टी और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम इस कार के अंदर दिया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी इसके अंदर दिया जाएगा। वही होंडा कंपनी इस कार के अंदर सनरूफ भी दे सकती है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और अच्छे खासे फीचर्स आपको होंडा की अपकमिंग इस मिडसाइज एसयूवी कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो होंडा कंपनी इस कार को सबसे पहले इंडोनेशिया के मार्केट में लॉन्च करेगी, उसके बाद बाकी के कंट्रीज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया में इस कार को अगले साल के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है, उससे पहले इसको इंडियन मार्केट में रिवील किया जाएगा। और रही बात कीमत की तो इसके बेस मॉडल की कीमत 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, टॉप मॉडल 13-14 लाख रुपए तक चला जा सकता है। आपको क्या लगता है होंडा की इस मिड साइज एसयूवी कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्दर चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।